डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। तो आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमारे पास गिवन है, इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 और एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0, अगर ये हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो गिवन फंक्शन आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये गिवन फंक्शन है। आपने एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी है -3, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, आपने फाइंड करनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 है, मीन एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो यहां पर चेक करें, इसको सॉल्व कर लेंगे एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैं बनाऊंगा, एफ ऑफ 2 पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 मैंने फाइंड कर लेंगे। देखिए एफ ऑफ 2 यहां पे आपके पास x की वैल्यू है, आप यहां पे x पुट कर दें, x इक्वल टू 2। तो यहां पे जब मैं x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो एफ ऑफ 2 मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करें 2 इसकी पावर 3 माइनस ए और इस 2 इसकी पावर 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पर आपके पास क्या वैल्यू बन गया, एफ ऑफ 2 किस चीज के इक्वल है, एफ ऑफ 2 आपके पास किस चीज के इक्वल है, 3 के, एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कर दूंगा -3 या 2 की पावर 3 8 माइनस 4 ए प्लस 2 बी प्लस 1। यहां पे आप इसकी क्या इस वैल्यूज को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 4 ए प्लस 2 बी और यहां 8 और 1 प्लस का 9 और ये प्लस माइनस के लिए इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा इक्वल टू 0। यहां मेरे पास वैल्यू है 4 ए प्लस 2 बी प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस 2 पे डिवाइड कर दें, देखिए सिंपलीफाई करने के लिए माइनस 2 पे डिवाइड करूंगा, यहां पे 2 बच जाएगा, यहां बी बच जाएगा, यहां पे 6, तो 2 पे डिवाइड कर दें, यहां पे लिखें डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, डिवाइडेड बाय माइनस 2, यहां पे हम डिवाइड करेंगे 2 ए प्लस बी और बी बच जाएगा मेरे पास, यहां पे आपके पास 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। देखिए मैंने माइनस 2 पे डिवाइड किया इस फोर इक्वेशन को, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखें एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहां पे आपके पास सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, ये था फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट। अब सेकंड इसकी क्या बनता, एफ ऑफ 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप यहां पे देखें एफ ऑफ माइनस 1 मीन एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा, वी पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन फंक्शन एफ में, इन एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करूंगा एफ ऑफ माइनस 1, यहां पर माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 यहां पर आपके पास क्या जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस 1 क्यूब प्लस बी इंटू 1 प्लस आपके पास बी, सॉरी यहां पे माइनस ए इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस 1 प्लस 1, यहां पे सॉल्व करेंगे माइनस 1 का क्यूब पावर ऑड है तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 1 तो ये नेगेटिव ए आ जाएगा, यहां पे आपके पास नेगेटिव बी आ जाएगा प्लस 1, ये प्लस नेगेटिव और प्लस कैंसिल और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी
इसको आप इक्वेशन नंबर टू पर, इसको इक्वेशन नंबर टू पर नाम दे दिया। अब यहां पर चलते हैं एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन किस चीज के इक्वल है, जीरो के, तो इसकी क्या करना, जीरो कर दूंगा, माइनस ए माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर टू पर नाम दो। इसको अब आप देखिए इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए नेगेटिव बी है और यहां पे क्या है, पॉजिटिव बी है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऐड वन प्लस टू, मीन हमने ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर वन और टू को, ऐड करेंगे तो टू ए प्लस बी प्लस सिक्स, और नीचे आप क्या करेंगे, माइनस ए माइनस बी, और यहां पे आपको जीरो लिखे, जो टर्म नहीं है वहां पे जीरो लिखे, तो यहां पे बी बी से कैंसिल, टू ए माइनस ए ए, और यहां पे आपके पास इक्वल टू जीरो भी लिखा, इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आपके पास प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, अब यहां पे आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सिक्स, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस सिक्स। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी बी की, और यही वैल्यू आप पुट कर रहे इक्वेशन नंबर वन में, तो पुट इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करें तो जीरो इक्वल टू माइनस एन टू माइनस सिक्स, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस सिक्स है, तो यहां पर माइनस इन टू ए की वैल्यू माइनस सिक्स को इन टू माइनस सिक्स की वैल्यू होगा माइनस बी, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू सिक्स माइनस बी, और यहां पर माइनस बी को दूसरी तरफ लेके आएंगे, माइनस बी को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो बी इक्वल टू सिक्स, तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी, ए इक्वल टू माइनस सिक्स, बी इक्वल टू सिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव था हमारे पास, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और दोनों की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। अब हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, क्वेश्चन नंबर ये आपके असाइनमेंट में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है और वो इससे भी इजी क्वेश्चन है, वो आपके असाइनमेंट है, आपको खुद करने हैं। और क्वेश्चन नंबर सेवन मैं सॉल्व करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए बी का स्केल और वाई इक्वल टू ए बी, x इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, y इक्वल टू टू ए, y इक्वल टू टू ए, ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं, और ये हमें प्रूव करना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इक्वेशन मार्क पास इस फॉर्म में प्रूव करनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू एटी स्क्वायर वाई इक्वल टू एटी। पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, क्या आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल के लिहाज से कोई थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हो रहा हो, ठीक है, जैसे x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर और y भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, t के ऊपर, तो आपके पास एक थर्ड वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है जो इन द फॉर्म ऑफ t, और t आपका यहां पे क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा, तो इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब इन इक्वेशन से हमने रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, तो हमने ये चीज प्रूव
करनी है, ये हमें गिवन है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ये प्रूफ करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए आपके पास x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2ap। अब हम ये यहां से पैरामीटर जो है t, यहां पे t आ रहा है, देखिए हमारा हमने इक्वेशन फाइंड कर ली y स्क्वायर टू 4ax, मीन हमने t को खत्म कर दिया, t को फिनिश कर दिया। अब t को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहां से पहले निकाल इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैं क्या करूंगा, t की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो फाइंड करें t की वैल्यू y 2a। अब 2a आपके पास नीचे क्या हो रहा है, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास t की वैल्यू, यहां पे देखिए आपके पास y 2ap तो t की वैल्यू मिल गई हमें। अब ये t की वैल्यू प्रूव कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू प्रूव करूंगा, तो x इक्वल टू a और t की वैल्यू प्रूव करेंगे, t की वैल्यू क्या है y ओवर 2a इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x इक्वल टू a स्क्वायर ओपन करेंगे y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 a के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यहां से भी a a a a से कैंसिल, यहां पे आपके पास x इक्वल आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 a। अब देखिए 4 a ठीक से इंप्लाइज है, 4 a 4 a से डिवाइड हो रहा है y के और इस x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां पर आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यही हमने प्रूव करना था कि आपकी ये पैरामीटर इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो हमने इन इक्वेशन से ये चीज प्रूव करनी थी, जो कि हमने क्या किया, यहां से t की वैल्यू फाइंड की, वो फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो इसका होल स्क्वायर है y का लग स्क्वायर हो गया और 2a का स्क्वायर जो होता है 4a स्क्वायर होता है, यहां से a a a c से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल 4a आ जाएगा, 4a नीचे डिवाइड होता है यहां आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही हमने प्रूव करना था, आंसर प्रूव, आंसर प्रूव, यही हमने प्रूव करना था, आंसर प्रूव। ये मैं इसको रेस कर रहा हूं, सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 2। अब उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा, x इक्वल टू a cos theta और y equal to b sin theta। अब ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ द रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और ये जो इक्वेशन है ये क्या करती है, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास क्या होगी, x square over a square प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कि ये दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, इट मीन इन दोनों इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखें x इक्वल a cos थीटा, तो यहां से आप देखिए x इक्वल a cos थीटा, ये जो a है ये x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये a x
cos थीटा और यहां पे देखें y को b sin थीटा, ये b sin के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये b y के पीछे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड, तो y ओवर b बन जाएगा इक्वल टू sin थीटा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर लेते हैं, स्केलिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का स्केल लेंगे, जब x इक्वेशन 1 और 2 का स्केल लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x के ओवर a स्केल, इसका होल x ओवर a का होल स्केल इक्वल टू cos थीटा का स्केल, सेम ऐसे y ओवर b इसका स्केल और आपके पास sin थीटा का स्केल बन जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा का स्क्वायर और यहां पे y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू sin थीटा का स्क्वायर। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, हमने ये चीज प्रूव कर ली, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज हमने तो यहां से देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बनेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करेंगे इक्वेशन 3 और 4, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करूंगा, राइट साइड को राइट में ऐड करूंगा, तो जब मैं इस लेफ्ट साइड को इस लेफ्ट साइड में ऐड किया क्या बना, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब आपके पास राइट साइड को राइट साइड में ऐड करूंगा, तो राइट साइड में क्या हमारे पास है, cos स्क्वायर थीटा प्लस कि हमें जो भी रिजल्ट रिक्वायर्ड था वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो आज के लिए बेटर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।